उत्तर प्रदेश के हरदोई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक का विरोध किया है। इस विधेयक को वापस लेने और राज्य में लागू नहीं करने की मांग राज्यपाल से की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पूर्व विधायक आसिफ खान बब्बू अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए जिला मुख्यालय जा रहे थे, जहां पर बेहटा गोकुल पुलिस ने उनको थाने में लाकर नजरबंद कर दिया। उसके बाद पूर्व विधायक ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर इस बिल को वापस लेने की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसानों और श्रमिकों को गहरा आघात लगा है। इससे सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों से उनका मालिकाना हक छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से MSP सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आशंका जताई जा रही है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा और किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर शांतपुर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना था जिला मुख्यालय पर। बस स्थिति ये रही कि हम लोग जब वहाँ से चले और जाने के बाद थाने बेटागुल से आगे मुझको रोका गया, हमारे साथ के साथियों रोका गया और ये कहा गया कि आपको थाने में नज़र किया जाता है। तो हम लोग आगे थाने में, और क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो समस्या इस देश की मूलभूत समस्या है गरीब किसान और मजदूर की, उस समस्या को संज्ञान में सरकार ने लेते हुए गरीब और किसान मजदूर को बर्बाद करना चाहती है, इस देश से ख़त्म करना चाहती है इस देश से। इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिर्फ दो आदमियों का, अंबानी और अडानी का राज चाहती है। उस राज को ये गरीब मजदूर किसान और समाजवादी लोग कभी इनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.